गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द भूज इंग्लिश स्कूल ट्रस्ट संचालित जैनाचार्य श्री अजामर जी प्राइमरी सेक्शन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट ENV चैप्टर नंबर 16 एंड पार्ट टू. सो लेट्स स्टार्ट इन पार्ट टू. सो लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट टू, रिमेंबरिंग दोज डेज. हाँ, हम पार्ट वन में हमने देखा कि जो क्लीनिंग जॉब करने वाले जो पीपल्स है, जो कम्युनिटी वाले हैं, उनको अदर जो सोशल पीपल्स है, जो सोसाइटी के लोग से, वो उनको कैसे अनटचेबल या उनको कैसे वो छोटी कास्ट के लोग जैसे समझ के उनके साथ इस तरह से वो लोग उनको टीच करते हैं. तो उससे ही रिलेटेड अब हम पार्ट टू में आ गए हैं, रिमेंबरिंग दोज डेज. हाँ, सो वेन नारायण, जैसे कि हमने देखा कि महात्मा गांधी जी थे, वो इस वर्क को दूर करने के लिए, इस थिंकिंग को दूर करने के लिए जो वर्क करते थे, उनके साथ उनके जो फ्रेंड थे महादेव भाई देसाई, और महादेव भाई देसाई के जो सन थे, छोटे बेटे थे जो उनके, वो थे नारायण, यानी कि उनका निक नेम था बाबला. सो वेन नारायण, यानी कि जो बाबला वॉज 11 ईयर्स ओल्ड, ही वॉज लिविंग इन गांधी जी साबरमती आश्रम. जो बाबला था वो कहाँ रहता था? गांधी जी के आश्रम में रहता था. जब वो कितने साल का था? 11 साल का था. हाँ, जो आश्रम कहाँ था? साबरमती आश्रम था, उसमें रहता था. एवरी वन लिविंग इन द आश्रम हैड टू डू वेरियस काइंड ऑफ वर्क, यानी कि जो भी लोग उस आश्रम में रहते थे उनको वेरियस काइंड ऑफ वर्क करने के रहते थे. ठीक है, वन ऑफ हिज टास्क टू टीच द गेस्ट हु क्लीन द टॉयलेट्स. इन दोज डेज द टॉयलेट्स वेयर नॉट लाइक टूडे. एट दैट टाइम द बेस्ट बास्केट, यानी कि एक लाइक अ डब्बा, हाँ, वॉज प्लेस अंडर द सेट, एंड आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट ही हैड टू पिक द बास्केट हिमसेल्फ एंड एम्प्टी नियर द कर्सपेट. यानी कि जो पहले उस जमाने में जब फ्रीडम हमारी हुई, उससे भी पहले के वक्त की ये बात है, उससे पहले के जो टाइम था हमारा, उस वक्त की बात नहीं, कि जब गांधी जी का जो आश्रम था तो वहाँ पे लोग कैसे कर रहे थे, उनको वहाँ पे जो भी काम था, जो भी कुछ वर्क करना था, वो उनको बाय ओन, यानी कि उनको अपने आप ये काम करना था. मगर जब उस समय की बात कर रहे कि जो उस वक्त था, उस वक्त जो कम्युनिटी थी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग थे जो ये काम कर रहे थे, और नारायण क्या करता था, उसको ये काम दिया था कि जो भी गेस्ट वहाँ पे आते हैं, जो टॉयलेट जाते हैं, उनके बाद उनको ये टीच करता था कि जब वो टॉयलेट जाके आ रहे हैं तो उसके बाद वहाँ पे एक जो डिब्बा रखा होता जिस पे बैठ के वो लोग टॉयलेट पे जाते थे. आफ्टर दैट टॉयलेट, जब वो टॉयलेट जाके आते हैं तो उनको वो अपने हैंड से ही वो बास्केट उठानी है और फिर कहीं दूर वाली प्लेस पे जाके उसको पूरा एम्प्टी कर देना है, अच्छे से उसको खाली कर देना है. ठीक है, नेक्स्ट, यूजली दिस वर्क डन बाय द पीपल ऑफ वन कम्युनिटी और कास्ट, बट इन गांधीजीज आश्रम एवरी पर्सन हैड टू कैरी द बास्केट of gospel oneself and empty there. Whether he was a guest or a person living in the ashram, everyone had to do this work himself. यानी कि जो एक कम्युनिटी थी, जो एक प्रॉपर कास्ट के लोग जो ये काम कर रहे थे, मगर जो गांधी जी के आश्रम में कोई भी गेस्ट हो, कोई भी पर्सन हो, उनको अपनी ये बास्केट जो थी, जो कि वो टॉयलेट जाके जाते समय यूज़ करते थे, उनको खुद को ये बास्केट क्लीन करने की होती थी, एम्प्टी करने की होती थी. कोई भी अगर उस आश्रम में आता था, उसको ये काम अपना खुद करने का रहता था. नारायण भाई रिमेंबर दैट सम पीपल यूज टू मेक एक्सक्यूज फॉर नॉट हैविंग डू दिस वर्क एंड सम इवन लेफ्ट द आश्रम फॉर द दिस वर्क. यानी कि जो नारायण भाई है, उनको याद है कि कुछ लोग है वो ये काम करने में वो एक्सक्यूज़ देते थे, ये काम करना उनको पसंद नहीं था, जैसे कि बोले कि हम ये वर्क नहीं कर रहे, और इसी वजह से वो लोग आश्रम को छोड़ भी देते थे. गांधी जी और उनके जो फ्रेंड ये वर्क करते थे कि वो लोग विलेज के जो पब्लिक टॉयलेट थे उसको क्लीन करते थे, ताकि वो लोग लोगों की सोच को बदल सके कि कोई भी वर्क है, कोई भी काम है, वो कम नहीं है, उसको रिस्पेक्ट के साथ ही देखना चाहिए. मगर
वहाँ के लोग की वो थिंकिंग चेंज नहीं हो पा रही थी। एक दिन जब मॉर्निंग में एक मैन जो कि टॉयलेट जाके आते हैं और उसके बाद वो मातेव भाई को पॉइंटेड करते हैं, उनको बहुत इंसल्टिंग वे में बोलते हैं कि यहाँ पे टॉयलेट है वो बहुत गंदा है, जाओ और उसको क्लीन करो, यू क्लीन इट, यानी कि आपको उसको क्लीन कर देना है। व्हेन बाबला सो दिस ही गॉट वेरी एंग्री, जब बाबला ने यानी कि जो नारायण है उसने जब ये सब देखा तो उसको बहुत गुस्सा आ गया। ही थॉट दैट द विलेज फेल्ट दिस क्लीनिंग वॉज वो गांधी जी एंड हिज एसोसिएट, यानी कि लोगों को ये लग गया कि ये वर्क है वो गांधी जी और उसके एसोसिएट वाले है वो उनको ही करना है। इट वॉज नॉट राइट, ये सही नहीं है। ही आस्क गांधी जी वाई दिस वॉज सो, यानी कि ये सब क्यों है, तो गांधी जी रिप्लाई दैट अनटचेबिलिटी इज सीरियस मैटर, यानी कि अनटचेबिलिटी यानी कि जो अछूत लोग समझ जाते हैं दूसरों लोगों को कि ये वर्क जो कर रहे हैं क्लीनिंग का वो लोग अछूत है, उनको हमको टच नहीं करना है, वो बहुत ही सीरियस मैटर है। इट टेक्स हार्ड वर्क टू चेंज दें, यानी कि इसको दूर करने के लिए बहुत है वो हार्डवर्क करना पड़ेगा। नारायण कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट हाउ वुड बी अ मेक अ डिफरेंस टू डूइंग दिस वर्क। तो जैसे नारायण थे वो फिर भी इस बात को बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि जो लोग गंदा कर रहे हैं, जो प्लेस गंदा कर, जैसे कि हम कचरा बाहर फेंक दे रहे हैं, फिर भी अगर उस कचरे को उठाना हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे हैं, जो पीपल्स ये लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे, उनको भी एक लेसन मिलना चाहिए, उनको भी एक सबक मिलना चाहिए। और इस बात पे वो लोग में बहस होनी कंटिन्यू रही। फिर भी जब नारायण है वो बड़े हो गए, जैसे कि अपनी एज में तब उस वक्त वो बहुत छोटे थे, मगर फिर भी जब वो ग्रो अप होके बड़े हो गए, यंग हो गए, तभी उन्होंने गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे चलना कंटिन्यू रखा था। तो आज ये हम भी हमने जो टॉपिक पूरा जो लर्न किया, रिमेंबरिंग दोज डेज, वो किसके बेसिस था, जो नारायण भाई ने बुक लिखी थी उसके अकॉर्डिंग था। उसके बाद टेल, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्ट डूइंग क्लीनिंग एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। तो जो गांधी जी और उनके जो टीम थी उन्होंने ये वर्क किया था, तो द आंसर इज के द गांधी जी बिलीव टू डूइंग वन ओन वर्क बाय वन सेल्फ, इफ वी अवर सेल्फ क्लीन अवर डर्टी नो वन एल्स कैन डू द डर्टी वर्क, यानी अगर हम खुद हमारी किया हुआ गंदा काम है जो हमने डर्टी फैलाई, अगर हम वो खुद साफ करना पसंद नहीं करेंगे तो कोई और भी ये काम करना क्यों चाहेगा। तो गांधी जी स्टार्ट हिज वर्क इन साबरमती आश्रम इट्सेल्फ, उन्होंने साबरमती आश्रम में खुद ये काम करना स्टार्ट किया। व्हेन गांधी जी एंड हिज टीम्स वेंट टू स्टे इन अ विलेज नियर वर्धा इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जब वो वर्धा में आए लेने के लिए, देविड नो फैसिलिटी, वहाँ पे कोई भी फैसिलिटी जो विलेज हाउस में नहीं थे, तो दे स्टार्ट क्लीनिंग टॉयलेट्स ऑफ पब्लिक, जो पब्लिक के टॉयलेट थे वही उन लोगों ने जो क्लीन करना थे वो स्टार्ट कर दिया था, ताकि जो अनटचेबिलिटी है, जो लोग ये सोच रहे हैं कि थिंकिंग रख रहे हैं कि जो पीपल ये वर्क कर रहे हैं उनको टच नहीं करना चाहिए, वो थिंकिंग है वो सब उनकी दूर हो सके। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन के, डू यू नो सच पीपल इन योर एरिया हु ट्राई टू हेल्प अदर इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम, फाइंड आउट एंड डिस्कस इन द क्लास। तो ये क्वेश्चन है वो फाइंड आउट करने का है कि आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं कि नहीं, और फिर ये डिस्कस करना है, मगर अभी हम ऑनलाइन में अभी ये डिस्कस नहीं कर सकते, मगर आप फाइंड आउट तो कर सकते हो कि आपके एरिया में जहाँ आप रहते हो यहाँ पे ऐसे कोई पर्सन है जो किसी और की प्रॉब्लम्स के सोल्व करने के लिए कोई भी इस तरह का वर्क कर रहे हो वो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि एवरी गेस्ट एट गांधी जी आश्रम हैड टू लर्न क्लीनिंग वर्क ऑल्सो, इफ़ यू वेयर वन ऑफ द गेस्ट हु व्हाट वुड यू डू, यानी कि अगर आप गांधी जी के आश्रम जैसे कि वहाँ पे लोग जाते तो उनको अपना वर्क है वो खुद करना हो चाहिए, तो क्या आप अगर वहाँ पे जाओ एज ए गेस्ट तो क्या आप करना पसंद करोगे। तो येस, हमको ये चीज़ करनी चाहिए क्योंकि ये एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारा वर्क बाय ओन, हम हमारी वर्क को खुद करें। तो इफ़ आई वेयर, यानी कि अगर मैं खुद, इफ़ आई वेयर वन ऑफ द गेस्ट एट गांधी जी आश्रम, आई वुड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स of the ashram and I would also accept the job of cleaning by own।
यानी कि खुद में एक्सेप्ट करना चाहूँगा, अपना खुद का वर्क कंप्लीट करना, उसको क्लीन करना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगेन, डज योर होम हैव अ टॉयलेट, इज द टॉयलेट इज इंडोर और आउटडोर, एंड हु क्लीन्स द टॉयलेट, यानी कि आपके घर में भी टॉयलेट है और वो इंडोर है या आउटडोर है, और वो उसको कौन क्लीन करता है। तो येस नाउ, अब हम जो लिविंग रहते हैं, हमारी जो सोसाइटी है, तो हम सबकी हाउस है वो टॉयलेट से अटैच है, हमारे हाउस के अंदर ही, इनसाइड ही हमारे हाउस में टॉयलेट रहता है। तो यस, देर इज़ अ टॉयलेट इन आवर हाउस एंड इट इज़ इनसाइड आवर हाउस, यानी कि हमारे घर में टॉयलेट है और वो इनसाइड है। और ऑल्सो हमारे घर में मोस्टली हमारे अगर टॉयलेट है वो कौन क्लीन करते हैं, तो हमारी जो मम्मी रहती है वो क्लीन करने, मगर जनरली हमारे घर में ये होना चाहिए कि जितने लोग उस टॉयलेट को यूज़ करते, जो भी लोग, जो भी पर्सन है वो टॉयलेट को यूज़ करते हैं, उनको खुद को वो यूज़ करना चाहिए। जैसे कि यस, देर इज़ अ टॉयलेट इन माई हाउस, इट इज़ इन साइड इन आवर हाउस, माई मदर इज़ वन हु ऑलवेज क्लीन इट, एंड समटाइम्स आई एम ऑल्सो टू हेल्प विथ देम, यानी कि मैं खुद भी कभी कभी उस काम में हेल्प करता हूँ। नाउ नेक्स्ट पेज, नाउ अगेन सम क्वेश्चन हियर, यहाँ पे ऊपर भी वो क्वेश्चन है कि हाउ डिड द मैन हु वॉज रिटर्निंग द फ्रॉम द डर्टी टॉयलेट विथ लोटा बिहेव विथ महादेव भाई एंड वाई, यानी कि जो मैन है वो टॉयलेट जाके आते हैं, वो उन लोगों ने कैसे मैं बिहेव किया महादेव भाई के साथ और क्यों। सो द आंसर इज द मैन, सो द मैन हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द डर्टी टॉयलेट विथ अ लोटा बिहेव वेरी बेडली विथ महादेव भाई, क्योंकि जो मैन है वो टॉयलेट जाके आते हैं वो महादेव भाई के साथ बहुत ही बैड बिहेव करते हैं। ही टोल्ड महादेव भाई देर इज अ लोट ऑफ डर्टी इन द टॉयलेट, यू गो एंड क्लीन, यानी वो बोलते हैं कि यहाँ पे टॉयलेट है वो बहुत गंदा है, तुम जाओ और उसको साफ कर दो, क्यों, बट जबकि उसको खुद को ये काम चाहिए। द मैन रिटर्निंग फ्रॉम द टॉयलेट एज वेल एज द विलेजर्स, यानी कि जो विलेजर्स है वो भी जब टॉयलेट जाके आते हैं वो लोग ये फील करते हैं कि दिस वर्क इज़ वेरी डर्टी, यानी कि ये वर्क है वो बहुत गंदा वर्क है, और ये वर्क जो गांधी जी और उनकी टीम कर रही है तो ये वर्क उनको ही करना चाहिए, हम इस काम को नहीं करेंगे। दे फेल दैट दिस वॉज वेरी डर्टी वर्क एंड वी कॉन नॉट डू दिस, यानी कि वो बोलते कि हम ये काम करेंगे नहीं। फिर नाउ नेक्स्ट अगेन के हाउ डू यू ट्रीट पीपल हु क्लीन द टॉयलेट्स एंड ड्रेन्स राइट, यानी कि आप जो लोग ये ड्रेन्स है, जो टॉयलेट्स है उसको क्लीन करते हैं, उसके साथ आप खुद कैसा उसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो आई विल ट्रीट पीपल हु क्लीन द टॉयलेट्स एंड डर्टी प्रॉपरली उन विथ रिस्पेक्ट, यानी कि हम उनको रिस्पेक्ट के साथ देखना चाहिए, हम उनको रिस्पेक्ट के साथ उनके साथ हम बात करने चाहिए। दे आर वन ऑफ हु गेट द रीड ऑफ डर्टी फ्रॉम आवर टॉयलेट्स आवर सोसाइटी आवर ड्रेन्स, इफ दे डिड नॉट डू दिस वर्क वी वुड हैव टू क्लीन द टॉयलेट्स एंड ड्रेन, यानी कि अगर वो लोग ये काम करेंगे नहीं तो ये वर्क है वो, ये काम है वो हमको खुद को करना चाहिए। ए जॉब विच इज अ वेरी हेटेड बाय अदर्स, यानी कि ये जो जॉब है वो किसी लोगों को पसंद नहीं है, फिर भी बाय द पोअर, यानी कि उनको अपनी गरीबी की वजह से ये काम करना चाहिए, ओनली बिकॉज ऑफ देयर जॉब, यानी कि खुद की एक जॉब के लिए, अब जो नौकरी की वजह से वो लोग ये काम करते हैं। तो वी डू नॉट हैव टू बींग इंसल्टेड हिम, यानी कि हमको उनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। सो ऑल ऑफ अस शुड हैव टू ग्रेटफुल टू देम, यानी कि हमको उनके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो लोग हमारा ये वर्क है जो डर्टी वर्क है उसको क्लीनिंग करने का काम कर रहे हैं। नाउ ए मैन टू मीट, यहाँ पे एक तो छोटी सी और टॉक दी हुई है, हिज नेम इज जगू भाई, यानी उनका नाम है वो जगू भाई, हु इज़ द फार्मर बाय, ही इज़ अ फार्मर बाय प्रोफेशन बट ही इज़ ट्रेजर थ्रू अ मैनी वर्चुअस, ही डज एवरी थिंग प्रेजली मेंटेसरली, एवरी वन लाइक्स इट वर्क, जगू भाई इज़ वेरी इंसेंस ऑफ क्लीनिंग, यानी कि जो जगू भाई थे वो प्रोफेशन से फार्मर थे,
फिर भी वो क्या करते थे कि उनको जो भी वर्क था वो करते थे, वो वर्क सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता था और वो खुद जो क्लीनिंग करने का काम था उसको वो बहुत पसंद करते थे, उसके लिए वो हमेशा रेडी रहते थे। ही डज नॉट अलाउ टू फूड बी वेस्ट, यानी कि वो फूड को गंदा, जो जैसे कि हम खाना बिगाड़ देते हैं, वो पसंद उनको बिल्कुल नहीं था। ही इज़ प्रेजेंट इन मेडिटोरी और एनी ओकेजन, वेडिंग, गैदरिंग इन द विलेज। ही इज़ वेरी केयरफुल अबाउट हाइजीन, पीपल थ्रो रबिश एनी वेयर, बट द वेन जगू भाई सीन इट ही इमिजिएटली पिकअप द रबिश एंड थ्रो इन द डस्टबिन और द प्रॉपर प्लेस। यानी कि वो कभी भी ओकेजन पे गए हो, वेडिंग में कोई गैदरिंग हो विलेज में, वहाँ पे जाते हैं और हाइजीन का बहुत ख्याल रखते थे। जो लोग थे वो रबिश को, कुछ भी कचरा था, जब वो जहाँ तहाँ फेंक देते थे, कहीं पे भी फेंक देते थे, तो जब जैसे भी जगू भाई उसको देखते थे वो इमिजिएटली वहाँ पे जाके उसको उठा के रबिश को और डस्टबिन में थ्रो कर देते या फिर उसको एक प्रॉपर प्लेस पे डाल देते थे। इवन एट मील इट मेल्स टाइम्स समवन हैज लेफ्ट फूड इन द प्लेट, ही लविंगली फीड एंड एक्सप्लेन। He does not allow food to be waste. Seeing his activity, other people also starting helping in the work. Gradefully, people's habits begins to improve. Because of him, people are throwing garbage in the right place, stop wasting food. Many people stoned him. Why do you do such thing? This should not be done. यानी कि जब वो ये वर्क करते थे, जो क्लीनिंग का काम करते थे, जो लोग गंदा करके चले जाते थे, कचरा फेंक के चले, उसको उठा के वो प्रॉपर प्लेस पे लाते थे, डस्टबिन में डाल देते थे, तो ये वर्क देख के दूसरे लोग थे वो भी उनसे इंस्पायर हो जाते थे, उनकी एक्टिविटी में उनको हेल्प करने लग जाते थे, उनके वर्क में उनको साथ देने स्टार्ट कर देते थे और साथ में ये भी कहते थे कि आप ये वर्क क्यों कर रहे हो। देन ही सेड This work belongs to all of us. ये work है वो हमारे सब के लिए है। You do not do it, so I have to do it. यानी कि अगर आप ये काम नहीं करें तो ये काम मुझे करना है। It is not good to throw dirty here and there. यानी कि ये गंदा जो कचरा है फेंक देना यहाँ वहाँ, ये सही नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। Those due to this cleaning activity, all the villagers have started doing this activity. Today's Jagubhai's activity are also remember the neighboring village. यानी कि उनके जो क्लीनिंग की एक्टिविटी थी, जो वो वर्क करते थे, वो उनके विलेजेस में, जो नेबरिंग के विलेजेस है वहाँ पे भी आज भी याद किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि Is there a man like Jagubhai in your village? Find out an investigation and gather information about them. What do we like from the Jagubhai? क्या आपके आसपास में ऐसे कोई पर्सन है जैसे कि Jagubhai है, तो उसके बारे में आपको फाइंड आउट करना है। और हाँ, अगर what do you like, आपको उसके बारे में क्या पसंद आया है वो लिखना, तो ये आंसर हम PDF के साथ कंटिन्यू कर लेंगे। Now next is discuss with students, यानी कि जो स्टूडेंट के है उनके साथ डिस्कस किया हुआ है ये टॉक है। जो सीता said, I am Sita and this is Geeta and this is Raju. We study in fifth standard. फिर उनसे क्वेश्चन करने में आता है यहाँ पे, what do you do in school, यानी कि आप स्कूल में क्या करते हो। तो गीता said, In school we study as well and we participate in school activity. यानी कि हम स्कूल में स्टडी भी करते हैं और स्कूल में जो प्रोग्राम्स होते हैं, कोई भी कल्चर प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, तो उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं स्कूल की एक्टिविटीज़ में। फिर नेक्स्ट आता है कि क्वेश्चन की वॉट इज़ द फर्स्ट एक्टिविटी डन इन द स्कूल, के स्कूल में जो सबसे फर्स्ट एक्टिविटी होती है वो क्या होती है। तो उसका आंसर करते हैं राजू, when school open, first cleaning is done, classroom, grounds and toilet have been cleaned. यानी कि जब स्कूल सुबह में खुलती है, first cleaning का काम होता है, classroom का, grounds का, toilet have been cleaned. Then next question is, के who does the cleaning, यानी कि जो cleaning का कर रहे हैं वो कौन है। तो सीता said, the team of student have decided to each day, यानी कि जो स्टूडेंट की एक टीम है उन लोगों ने ये डिसाइड करके रखा है। हाउ ओवर टीम टर्न्स इन देयर, इट हैज़ टू डू क्लीनिंग वर्क।
अवर टीचर्स ऑल्सो ज्वाइन, यानी कि जो क्लीनिंग का वर्क करते हैं वो एक टीम के थ्रू वो लोग करते हैं, जो कि एक स्टूडेंट की टीम है और जो उनके टीचर है वो भी उनको इस बात पे ज्वाइन करते हैं। फिर क्वेश्चन है कि डू यू हैव टू डू दिस वर्क एवरी डे, यानी कि आप लोग ये काम हर रोज़ करते हो। सो गीता सेड नो आवर स्कूल हैज स्वीपर, कि नहीं हमारे स्कूल में स्वीपर है, बट ही कम्स टू और थ्री डेज इन अ वीक, यानी कि जो स्वीपर है वो वहाँ पे जिस यहाँ की जो ये टॉक दी हुई है विलेजेस में, तो वहाँ पे जो स्वीपर है वो वीक में वन या टू टाइम्स ही आते हैं। सो ऑन द डे ही डजंट कम वी ऑल क्लीन अप टुगेदर, यानी जिस दिन वो स्वीपर है वो नहीं आते हैं उस दिन हम लोग साथ में मिलकर ये काम करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के डू यू लाइक टू डू दिस वर्क, यानी कि आपको ये काम करना पसंद है। तो अब राजू कहते हैं हु डज नॉट लाइक क्लीनिंग, या किसी क्लीनिंग किसको पसंद नहीं। आफ्टर क्लीनिंग द एटमोसफियर इज क्लीन एंड वी लाइक टू स्टडी इन द स्कूल, यानी कि जो क्लीन एटमोसफियर होगा वो किसको पसंद नहीं होगा। वी हैव टू यूज इट, यानी कि हमको ये करना है। सो इट नो इट इज़ नॉट प्रॉपर द कीप द स्कूल डर्टी, हाँ स्कूल को गंदा रखना इट इज़ ये प्रॉपर नहीं, अच्छा नहीं। इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप द स्कूल क्लीन, यानी कि हमारी ड्यूटी है कि हम हमारे स्कूल को है उसको भी क्लीन रखें। तो क्वेश्चन के इज देयर एनी बेनिफिट टू यू फ्रॉम डूइंग दिस वर्क, यानी कि आपको इस काम से कोई बेनिफिट है। तो येस सीता सेज कहती है कि येस येस प्रीवियसली वी डिड नॉट नो क्लीनिंग स्वीपिंग with a big broom, cleaning the benches and tables, cleaning with the water etc. But by watching senior student we also have learnt, now at home we also help mother in the cleaning, यानी कि बोलती है कि हाँ पहले हम ये लोग ये काम नहीं जाते थे cleaning का, मगर अब हम ये काम जान गए हैं कि कैसे हम big broom के through sweeping कर सकते हैं, cleaning करना है bench को, tables को, और water से भी अगर हमको clean करना है तो अभी हम वो सब जान गए हैं कैसे, कि वो लोग अपने senior students को ये काम करते हुए देखते हैं, उनसे वो लोग ये learn कर चुके हैं, और ऑल्सो अब वो अपनी हाउस में अपनी मदर को भी इसमें हेल्प करने लग गए हैं। नाउ नेक्स्ट पेज, नाउ अगेन कैन टेल हु डज क्लीनिंग इन योर स्कूल एंड व्हाट ऑल हैव टू बी क्लीन, यानी आपके स्कूल में कौन करते हैं। तो स्टूडेंट्स ऑल्सो डू द जॉब ऑफ क्लीनिंग इन आवर स्कूल, दे क्लीन द क्लासरूम एंड द लॉबी एंड द प्लेग्राउंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि डू ऑल चिल्ड्रन डू ऑल काइंड ऑफ क्लीनिंग, क्या बच्चों को सब काम का क्लीनिंग पसंद था। तो नो वेरियस ग्रुप हैव बीन मेड बाय स्टूडेंट, ईच ग्रुप टेक्स टर्न बाय ड्यूरिंग द वीक, यानी कि जो लोग बच्चे हैं जो स्टूडेंट की जो टीम थी वो वन बाय वन जैसे उनका टीम का ग्रुप का जो टर्न आता था तब वो लोग ये काम करना पसंद कर रहे थे। फिर नेक्स्ट इज When do you clean your school? तो आप अपने स्कूल को कब साफ करते हैं। तो when we clean the school in half an hour, यानी हमको हमारा जो स्कूल है अगर हम उसको साफ करते हैं तो हमको कितना टाइम लगेगा, हाफ एन आवर लगेगा। सपोज़ जैसे 10 AM से 10:30 AM तक। फिर नेक्स्ट अगेन डू द गर्ल्स एंड बॉय डू द सेम काइंड ऑफ वर्क और अ डिफरेंट, यानी कि जो गर्ल्स और बॉय है वो लोग सेम काम करते हैं। येस द गर्ल एंड बॉयज डू द सेम काइंड ऑफ वर्क इन अवर स्कूल, दोनों एक साथ में काम करते हैं और सेम काइंड ऑफ वर्क करते हैं। द ग्रुप दैट हैव बीन ड्यूटी ऑफ क्लीनिंग आर मिक्सड इन द बॉयज एंड गर्ल्स, तो जो ग्रुप का काम करते हैं हम हमारे क्लास में भी अगर हम कोई काम करेंगे तो हम गर्ल्स और बॉयज दोनों को कंबाइन करके दोनों को साथ में करते हैं, उसमें कोई भी हम डिफरेंस नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो अभी हम कर रहे हैं ये सिर्फ हमारे टेल के लिए है। व्हाट ऑल वर्क डू यू डू एट होम, तो आप अपने घर में क्या काम करते हैं ये आपको पता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कि इज द वर्क डन बाय बॉयज और गर्ल्स और मेन एंड वुमन आर द सेम, तो क्या जो मेन्स है वुमन्स है या बॉयज गर्ल है वो लोग जो काम करते हैं वो सेम होता है। तो नो इन आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में ये नहीं रहता है। द वर्क डन बाय बॉयज एंड गर्ल्स और मेन एंड वुमन इज़ नॉट द सेम, डिफरेंट जॉब आर
assigned in the society. Right from the childhood, girl have given responsibility of job inside the house. जो यानी कि जो चाइल्डहुड से गर्ल्स के लिए वुमेंस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी की दी जाती है कि उनको वही जॉब करनी है जो कि उनके हाउस से रिलेटेड. वाइल बॉयज एंड मेन्स हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वेरियस काउंड ऑफ जॉब ऑफ आउटसाइड द हाउस. यानी कि मेन्स को ये जॉब दी जाती है कि वो लोग बाहर जाके मनी अर्न करे और वर्क करे जो कि घर से बाहर जाके है. मेन्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अर्न मनी एंड वुमन हैव टू रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द हाउस. यानी मेन को पैसे कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और जबकि वुमन्स रहती है उनको घर की जवाबदारी जो दी जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं वो. फिर नेक्स्ट के वुड यू लाइक टू बींग सम चेंज ऑफ वॉट काइंड. यानी कि अगर क्या आप उसको चेंज करना चाहोगे तो ये आपकी ओन थिंकिंग है. ठीक है. नाउ अगेन नेक्स्ट है डू पीपल लुक अ डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब वर्क इन द सेम वे इन द सोसाइटी. इफ नॉट व्हाई इज दिस सो. इट इज नेसेसरी टू बींग द चेंज. तो द आंसर इज कि नो, पीपल डू नॉट लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क इन द सेम वे इन द सोसाइटी. पीपल हु वर्क इन द ऑफिस हैव देयर ओन बिजनेस और ट्रीट रिस्पेक्टफुली बाय द सोसाइटी पीपल्स. While people who is manual labor, cleaning work and or a small job earn money less, look bad down upon by the society. यानी कि जो लोग हैं वो सोसाइटी में रहते हैं वो ज़्यादा मनी वाला काम करते हैं, कोई रिस्पेक्टफुल जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो उनको जो सोसाइटी के लोग हैं उसको बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं, उनको बहुत अच्छा समझते हैं. मगर जो लेबर वर्क करते हैं या फिर कोई और स्मॉल जॉब करते हैं जिससे उनको बहुत कम पैसे मिलते हैं उनको वो बहुत लुक डाउन बाय अपॉन. यानी कि बहुत अनमाइंड कंसिडर करते हैं, उनको ये सोचते कि ये बहुत छोटे लोग हैं. दिस एक्सपेक्ट नीड बी चेंज. यानी कि ये जो थिंकिंग है कि जो लोग ज़्यादा अच्छा काम जैसे कि डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, टीचर्स है, बिजनेसमैन है, हाँ हम लोग सोचे कि ओ ये तो बहुत अच्छे, ये रिच कंसिडर करते हैं, उनको हम बहुत रिस्पेक्टफुल देखते हैं. मगर जो लेबर कास्ट वाले हैं, जो लोग ये मेसन का वर्क करते हैं या क्लीनिंग का जॉब करते हैं, स्वीपर है, वॉचमैन है, इनको हम अच्छे से देखेंगे नहीं, इनको तो हम डिसरिस्पेक्टफुल के साथ देखेंगे, इनकी हम रिस्पेक्ट करेंगे नहीं. ये हमारी थिंकिंग है जिसको भी हमको चेंज करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट के व्हाट कैन बी डन टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग हाइजीन अमोंग द पीपल डिस्कस इन द क्लास. तो ये क्लास में डिस्कस करने के लिए है. अगर अभी हम इसको ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं तो द फॉलोइंग थिंग्स कैन बी डन बाय क्रिएट अवेयरनेस. तो हम उसको फर्स्ट करेंगे कि अवेयरनेस अबाउट क्लीनिंग शुड बी सेपरेट अमंग द पीपल. यानी कि जो अवेयरनेस लानी चाहिए क्लीनिंग के लिए वो हम पीपल्स को बताएंगे. बेनिफिट ऑफ क्लीनिंग शुड बी एक्सप्लेन. जो बेनिफिट है उसको भी हमको एक्सप्लेन करना चाहिए. स्लोगन बेस्ड क्लीनिंग जो हम उसके पोस्टर में बना सकते हैं उसको भी हम सोसाइटी में या पब्लिक प्लेस पे उसको अटैच कर सकते हैं. तो ये थोड़े से जो हैं डिस्कस करने के पॉइंट्स हैं वो हमने पीडीएफ के साथ में भी कर लिए हैं. नाउ नेक्स्ट इज के डू यू क्लीनअप एट स्कूल ओनली और डू यू हेल्प द क्लीन अप एट होम ऑल्सो. क्या आप सिर्फ स्कूल में ही क्लीन अप करते हैं या फिर आप घर पे भी आपकी मदर है जो उनको हेल्प करते हैं. सो आई हेल्प इन कीपिंग द स्कूल क्लीन एंड आई ऑल्सो हेल्प माई मदर टू कीप द हाउस क्लीन. यानी कि हाँ हम हमारी स्कूल में भी क्लीनिंग का वर्क करते हैं जब हमको हेल्प करनी पड़ती है तो भी, और हम हमारी मदर को भी हेल्प करना चाहते हैं. सो नाउ लास्ट टॉपिक के वॉट वी हैव लर्न. तो हम क्या लर्न किए. तो गांधी जी यूज़ टू से दैट एवरी पर्सन शुड डू एवरी काइंड ऑफ वर्क. यानी कि जो गांधी जी वो क्या कहते थे कि एवरी पर्सन को अपना काम खुद करना चाहिए हर तरह का वर्क. वॉट डू यू फील अबाउट इट. तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी थिंकिंग बताइए जो है आप क्या उसमें बारे में महसूस करते. इफ़ एवरी वन फॉलो दिस वॉट आर दी वॉट थिंग्स दैट वुड बी चेंज. यानी कि इस बारे में अगर फॉलो करने में आए तो क्या चेंजेस हो सकती है. वॉट देयर विल बी अ चेंज इन योर हाउस. तो आप आपके घर में जो क्या चेंज ला सकते हैं इसके थ्रू. जो गांधी जी सोचते थे पीपल्स को अपना काम खुद करना चाहिए,
तो आप इस बारे में क्या खुद सोचते हैं और इसके थ्रू आप क्या चेंजेस करना चाहेंगे आप अपने हाउस में। हाँ, तो ये बाय ओन ही आप कर सकते हैं कि जो हमने लेसन लर्न किया है उससे आपको क्या फील हो रहा है और फिर आप उसमें से आपके घर में क्या चेंज लाएंगे। फिर नेक्स्ट के व्हाट हैपन इफ़ यू डू नॉट कीप योर क्लोज बुक्स एंड टॉयज प्लेइंग इक्विपमेंट्स एट द प्रॉपर प्लेस एट होम। या तो आप अपने घर पे और डिस्कस, तो अगर आप अपने हाउस में जो आपकी क्लोज है, बुक्स है, टॉयज है, उसको अगर प्रॉपर प्लेस पे नहीं रखेंगे तो क्या होगा? यस, वो सब जगह यहाँ पर वो आप बिखरा रहेगा, वो सब क्लीन किसको करना पड़ेगा? आपकी मदर को करना पड़ेगा। सो द आंसर इज के इफ़ I do not keep my clothes, books and toys at the proper place, the homes look untidy. यानी कि जो house है वो एकदम untidy दिखेगा, बहुत गंदा दिखेगा। Moreover, the clothes, books and toys are make dirt. यानी कि उन पर dust आ जाएगी, वो बहुत गंदे दिखेंगे। They will not be found easily whenever they are. यानी कि जब वो कहाँ पे भी पड़ेंगे तो इजीली हम उसको अवेलेबल इजीली उनको फाइंड आउट आप लोग नहीं कर सकतेंगे, क्योंकि सब आप मिक्सअप कर दोगे, क्लोथ्स को, बुक्स को, टॉयज़ को। तो आपको कोई भी बुक्स चाहिए होगी या कोई टॉयज़ चाहिए होगी तो आपको कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो सब मेसी हो जाएगा, एक दूसरे के साथ पड़ा होगा, तो उसको फाइंड आउट करना कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। यस ना? हाँ, तो फिर हमको हमारी सारी चीज़ें उसको प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए हमारे हाउस में। ठीक है, सो दैट इज़ द एंड ऑफ पार्ट टू। पार्ट टू का यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं और इसके साथ हमारा चैप्टर 16 क्लीनिंग इज आवर जोम इज कंप्लीट नाउ। सो स्टूडेंट, वी हैव लर्न दैट एवरी काइंड ऑफ वर्क, जो भी वर्क है वो इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, हमारी सोसाइटी में। और जो लोग ये वर्क कर रहे हैं, द पीपल हु डू द क्लीनिंग जॉब, वी हैव टू डू रिस्पेक्टफुल देम, वी हैव टू ग्रेटफुल टू हेम। यानी हमको उनको ग्रेटफुल रहना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो लोग ये क्लीनिंग वर्क कर रहे हैं। अगर सपोज़ कि दे डू नॉट डू द क्लीनिंग वर्क, वी हैव टू डू दिस वर्क। अगर वो लोग ये क्लीनिंग का वर्क नहीं करेंगे तो ये वर्क इनको किसको करना पड़ेगा? हमें ही करना पड़ेगा। सो दैट इज़ द एंड। बाय बाय।